बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद किया, फायदा किसको हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ फायदा किसको हुआ? गलवान, जिसको फायदा हुआ उसने ये करवाया। तो पुलवामा का जो RDX है, आपको मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं। उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है, वो नागपुर का है, यानी हमारे देश का है RDX है। 18 बॉम्ब स्फोट हुए, सभी संघियों ने किए, उनके पदाधिकारियों ने किए, फायदा किसको हुआ? तो ये जो देश में अशांतता फैलाने का काम हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बाद फायदा किसको हुआ। तो ये उनकी, अभी भीमा कोरेगांव पे आता हूं मैं, जो मैंने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान, ना कि भारत पाकिस्तान, ना कि भारत कश्मीर, ना कि लव जिहाद, ना कि घर वापसी, ये जो सब फालतू बातें हैं इस पे हम उलझा रहे हैं। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। ये आपका लाल किले का, मैं तो कहता हूँ बाबरी मस्जिद से लाल किले तक जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ? और जिसको फायदा हुआ उसने करवाया, इसके लिए क्या लॉजिक की जरूरत है? तो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, और वो कौन सिद्धू लाल किले पर भेजा, जा नहीं सकता, चिट्ठी भी जा नहीं सकती लाल किले पर, इतना बंदोबस्त होने के बावजूद वो ऊपर गया, झंडा लगाया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो उल्टा हो गया। यदि मैं जज होता, देखो जिस दिन बाबरी का निकाल आया ना, 9 दिसंबर 2019 में निकाल आया जस्टिस, तो मैं रात को मेरा डिसीजन लिख के रखा था, यदि मैं जज होता तो क्या कर, तो मैंने लिख के रखा था कि ये जमीन मैं किसको नहीं देंगा, ये जमीन नेशनल मॉन्यूमेंट के ले देंगे, ना हिंदू को देंगे, ना मुसलमान को देंगे, ये झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, ये मेरा डिसीजन था। यदि आज ये आर्सेनल का रिपोर्ट कहता है कि 10 लेटर उसके कंप्यूटर में टैंपर किए थे, तो मैं तुरंत, यदि कुर्सी पर था, मेरे सामने मैटर आती, तो मैं सबको पहले बेल पे रिलीज करता और बाद में केस चलने जो चुका कर। ये इस बालाकोट की बात में अर्णव को कैसी दी, वो कौन रिस्पॉन्सिबल था? और बालाकोट करने के और पुलवामा होने के बाद वो जो खुशी मना रहा था अर्णव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं यही कहता हूं कि पुलवामा भी हमारे मन में शंका है, हम गलत होंगे, आपने करवाया, और बालाकोट के लिए भी आपने तैयारी करवाई, क्योंकि आने वाला इलेक्शन आपको जीतना था, आप सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करते हैं, ना कि समाज हित में, ना कि देश हित में, ना कि किसान या दिहाड़ी मजदूर के हित में काम करते हैं, आप सड़के मरेंगे।